सरगुजा जिले के 500 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सुविधाओं पर खासा असर देखा जा रहा है। वहीं आज स्वास्थ्य विभाग 500 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में 35,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 अगस्त अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश सहित जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं चरमराई हुई हैं। तो वहीं जिले के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 300 से अधिक कर्मचारियों को नोटिस जारी कर काम पर वापस लौटने सहित कार्रवाई करने की बात कही गई थी, जिसमें से 35 से अधिक स्वास्थ्य कर्मी काम पर वापस लौट गए हैं। तो वहीं सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य कर्मी सामूहिक इस्तीफा देने को तैयार हुए हैं। अब देखना होगा कि सरकार और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच की तकरार कहां तक जाती है, या सुविधाओं की लचर व्यवस्था से मरीजों की जान यूं ही जाती रहेगी। जी, मेरा नाम प्रमिला सूर्यवंशी है और हम लोग सभी हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले एकजुट होके सारे सरगुजा संभाग के लोग स्ट्राइक पे हैं। दिनांक 21 तारीख से अनवरत जो स्ट्राइक चल रहा है, लगातार चल रहा है। सरकार तक हम अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे प्रति इतनी असंवेदनशील कैसे हो सकती है। हम बहनें, हम महिलाएं, इसमें सोचने के लिए हम लोग भी मजबूर हैं। जनता के प्रति जो हमारी जवाबदारी है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम समझते हैं। हमने कोरोना में उनका साथ दिया है तो आगे भी देंगे, और जो भी असुविधा हो रही है उसके लिए मैं जनता से माफ़ी मांगती हूँ। और उसके लिए हमको भी दुख है, तकलीफ़ है कि उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि हमारे भी बाल बच्चे हैं। आज 35,000 से अधिक जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, जो हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको एक कार्रवाई की गई है कि सबको बर्खास्त किया जा रहा है, FIR किया जा रहा है उनके प्रति। एक तानाशाही रवैया सरकार अपना रही है, लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्या ये तानाशाही रवैया उचित है? उसी कोरोना वॉरियर के लिए आपने तालियां बजाई थी, उन पे फूल बरसाए थे, उनका स्वागत किया था और उन्होंने आपकी जान बचाई थी। आज उसी के सम्मान में आप वो अपने हक के लिए, अपने वाजिब मांगों को लेकर, जिस मांगों को सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, अपने घोषणा पत्र में शामिल करके उन्होंने वादा किया था कि मैं वेतन विसंगति को दूर करूँगा, लेकिन आज दिनांक तक ये ऐसा हुआ नहीं है। हमारे माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय मंत्री महोदय, उन्होंने भी कहा था कि कोरोना भत्ता के तौर पे हम अपने जो भी कोरोना वॉरियर हैं उनको एक सम्मानजनक राशि प्रदान करेंगे, लेकिन उनको आज वो भी बात झूठी साबित हो रही है कि जितने भी कर्मचारी हैं वो एक अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार हमको ऐसी बर्खास्त कर रही है। इससे अच्छा कि हमारा सामूहिक इस्तीफा ही ले लें। हम बर्खास्त होने से नहीं डरते, हमारे भी बाल बच्चे हैं। ठीक है, कोई भी बात होगी हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी एक चरम सीमा है। हम भी क्या करेंगे, हम भी मजबूर हैं। सरकार को हमारी मनोभाव को, हमारी मनोस्थिति को समझना चाहिए, हमारे लिए आगे आना चाहिए और हमारे बातों को सुन के उनको फैसला करना चाहिए, क्योंकि हम भी उन्हीं के बीच के कर्मचारी हैं, हम उनके ही कर्मचारी हैं। हम सरकार का विरोध नहीं करते हैं, हम चाहते हैं सरकार के साथ हम मिल के काम करें और आगे अपनी जनता को अपनी सेवा दें। नाम ममता जांगड़ा है और मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की स्टाफ हूँ, और ये जो हमारा आज त्याग पत्र देने का है, ये हमारे ऊपर अधिकारियों के द्वारा किया गया है। अभी हम लोगों ने देना चालू किया ही है और क्या कहते हैं, हम दे रहे हैं इसको। हम चाहते हैं कि सरकार जो हमारी मांग है, वाजिब मांगे हैं, ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं हम लोग, जो 40,000 कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग से है, तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे। तो उस मांग को पूरी करने के लिए हम लोग का ये प्रदर्शन है। हम लोग किसी प्रकार का हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे हैं। 500 कर्मचारी जो है अभी हम लोग हड़ताल में है यहाँ पे और आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी मांगों को सुने। जो कोरोना भरता है, वेतन विसंगति है, वो दूसरे सरकार से, दूसरे राज्य से तुलना कर ले क्या है उसका, और उसके अकॉर्डिंग दे। हम नहीं चाहते कि हमको, हम ज़्यादा मांग रहे हैं, आप तुलना कर लीजिए, तुलना करते हुए हमको दीजिए। 500 लोगों ने है, 500 लोग हैं जो हम लोग इस्तीफा देने के लिए आए हुए हैं। हम सामूहिक इस्तीफा नहीं लेंगे, आप इंडिविजुअली हमको दो। पर आप जब लेटर निकालते हो तो हमारे लिए सामूहिक लेटर निकालते हो, और जब हम जब देने के लिए आए हैं तो बोलते हैं कि आप सामूहिक मत दो, आप इंडिविजुअली निकालो, आप फॉर्म नंबर 16 भरो, फॉर्म नंबर 3 भरो। तो ये है जो शासन जो है कहीं तरीके से हमको दबाने की कोशिश कर रही है। तो हम दबने वाले तो नहीं हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने किया। हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को सुने और निराकरण करें।